टू प्रूव एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डायग्राम सेम है, यू से वी वेलोसिटी हो गई, टाइम टी वन जीरो से टी टू इज इक्वल टू टी हो गया और एस हो गया. तो स्टार्ट करना है वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. यहां से मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. एक बात बताओ, इसमें यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी चली थी. और वी क्या है? किसी भी फाइनल का मतलब है. अच्छा, वी फाइनल रुक गई नहीं. अगर मैं यहां कहूं वेलोसिटी कितनी तो भी आप वी बोलोगे. अगर बॉडी यहां दिखाऊंगा तब भी वी बोलोगे, यहां दिखाऊंगा तब भी वी बोलोगे. तो वी इसकी नो डाउट फाइनल वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है? एट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. और वी का फॉर्मूला अगर यू की फॉर्म में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलस से डराइव किया हुआ है, उसमें कैलकुलस लगाने की जरूरत नहीं है. तो हमने अपना आंसर u की फॉर्म में निकालना है, v की फॉर्म में नहीं निकालना. तो मैंने सबसे पहले v को क्या रिप्लेस किया? u plus at. क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पिछले एक्सप्रेशन में कि v क्या होता है? u plus at. तो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं. अब इंटीग्रेशन के अंदर दो तरीके हैं. पहला तरीका, अगर सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि ये बॉडी यहां से चली, तो लेट अस सपोज मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं कि ओरिजिन से ही चली. तो ओरिजिन पे x1 क्या होगा? जीरो, कोऑर्डिनेट बनेगा ही नहीं. और s डिस्टेंस के बाद x2 क्या होगा? s, s डिस्टेंस हो गया. तो मैंने लिमिट क्या लगा दी? जीरो से x, यानी कि x1 से x2 की जगह जीरो से s. क्लियर है यहां तक? और टाइम की लिमिट क्या लगाई? जीरो से t. तो जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, जीरो से टी, जीरो से टी, जीरो से एस. ए कांस्टेंट है पूरे एक्सप्रेशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके चलते हैं तो ए बाहर आ गया, यू कांस्टेंट है बाहर आ गया, वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स है, वन डी टी की टी है, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू है. एक्स की जगह एस माइनस जीरो, टी की जगह टी माइनस जीरो, और टी स्क्वायर में टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर. सॉल्व करेंगे एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे पुराने तरीके से ही करके दिखाओ. कोई बात नहीं, पुराना तरीका कर लो. क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे u है, सपोज यहाँ पर v है, और ओरिजिन यहाँ पे ले लो. चलो दूर ले लो ओरिजिन. ओरिजिन दूर लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या पुट करेंगे? x1. ये क्या पुट करेंगे? x2. तो s क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1. सेम डायग्राम. तो लिमिट यहाँ तो कोई चेंज नहीं है जीरो से t. लेफ्ट साइड की लिमिट 1dx में क्या पुट करेंगे? x1 से x2. 1dx क्या होता है? x कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2. तो क्या आएगा? x2 माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप क्या बन जाएगा? s. क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. आप ओरिजिन को फर्स्ट बॉडी के ऊपर लें या पहले लें, उससे कोई फर्क नहीं है. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये प्रूफ करके देखना है आपने, ये पेपर में आता है, तो आप एक बार ट्राई करें प्लीज.